हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, हमारे पास आई है पल्सर N150 की नई गाड़ी, बिल्कुल नई गाड़ी है। फर्स्ट सर्विसिंग करा के गई थी और ये गाड़ी बंद होकर आई है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है मैं बताऊँगा आपको। और गाड़ी की प्रॉब्लम यही है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और गाड़ी के इसकी इंजन खोलनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी के कुछ कुछ पार्ट्स शायद टूटे हुए हैं, क्योंकि इसकी पूरे किक जाम है। और ये बिल्कुल नई गाड़ी है और इसमें गलती किसकी है, कस्टमर की गलती है या कंपनी की गलती है, ये मैं दिखाऊँगा आपको। पहले मीटर आप देख सकते हैं कि मीटर इसमें कितनी किलोमीटर चली हुई है, तो इसमें 1384 किलोमीटर चली हुई है, बिल्कुल नई गाड़ी है। इसमें गलती किसकी है, कस्टमर की गलती है या फिर गलती कंपनी की है, ये मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। तो वीडियो में बने रहे और देखते हैं किसकी गलती है। कुछ तो नज़र आ रहा है कि टूटा हुआ है, देखते हैं क्या टूटा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आपकी कुछ तो इंजन में कुछ तो टूटा हुआ है, लग रहा है बल्ब टूटा हुआ है या करेंट टूटा हुआ है या पिस्टन टूटा हुआ है, कुछ बीच भी टूटा हुआ है। अब देखते हैं क्या टूटा हुआ, फिर देख सकते हैं आप जो निकल रहा है टोटल बॉडी से, देख सकते कुछ इसका चूर है और कुछ इंजन में टूटा हुआ है जो आप देख सक रहे हैं, कुछ तो टूटा हुआ है। देखते हैं खोल के पूरे गाड़ी को और क्या क्या इसमें टूटा हुआ है। अभी तो कुछ इस फिलहाल यही नज़र आ रहा है, पूरा गाड़ी भी खुली नहीं है, इंजन खोल के देखते हैं इसको पूरे कि क्या क्या इसमें टूटा हुआ है। तो फिर वीडियो में बने रहे। अब मैं इंजन उठा के देखता हूँ क्या क्या टूटा हुआ। तो देख सकते हैं गैस पूरी तरह से, आपकी वाल्व टूट चुकी है, ब्लॉक टूट चुकी है और इसकी पिस्टन विस्टन सब टूट चुकी है।
और भी मैं देखता हूँ कि क्या क्या इसमें टूटी है। देख सकते हैं बल्ब पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, तो पूरी गाड़ी टूट चुकी है, इंजन की जितनी है बल्ब बल्ब और ब्लॉक ब्लॉक सब आपकी टूट चुकी है। और देखते हैं इसमें क्या क्या टूटी है, देख सकते हैं। और भी देखता हूँ क्या क्या टूटी है इसमें, और बताऊँगा कि इसमें गलती किसकी थी, कस्टमर की गलती है, गाड़ी की गलती, वो मैं बताऊँगा। तो पहले और मुझे खोलने दीजिए, तो देख सकते हैं ये पूरी तरह की हेड बर्बाद हो चुकी है, तीन दोनों बल्ब टूट चुकी है, प्लग टूट चुकी है, पूरे देख सकते हैं पूरी तरह के ये इसकी हेड बर्बाद हो चुकी है, ब्लॉक बर्बाद हो चुकी है, करेंक बर्बाद हो चुकी है, तो पूरी तरह से ये गाड़ी बर्बाद हो चुकी है। इंजन इसकी हाल देख सकते हैं आप किस तरह हाल है, और इसमें गलती किसकी भी मैं बताऊँगा। पहले मुझे कुछ खोलने दीजिए पूरी तरह का, और क्या क्या इसमें देख लेता हूँ। तो देख सकते हैं इसमें गैस ये भी पूरी तरह से टूट चुकी है, ये भी नहीं लगेगी। और यहाँ मैं करेंक देखता हूँ, करेंक में क्या हिसाब है, तो करेंक भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, ब्लॉक तो पूरी टूट चुकी है, और यहाँ पर भल सील टाइपिंग चेंज सब खत्म हो चुकी है, पूरी इंजन समझ लीजिए ख़त्म हो गई। फिर से इसको बनाना पड़ेगा पूरी इंजन की, बहुत सी सामान लगेगी। लेकिन इसमें गलती किसकी की, मेन बात यह है कि इसमें गलती है कस्टमर की, कि कस्टमर के पास पहले से भी एक गाड़ी थी NS 200, उसमें भी यही सेम हाल था, उसका नया गाड़ी में भी ले गया था, सेम हाल था उसमें भी, और इसमें भी सेम हाल है। तो इसमें बजाज की कोई गलती नहीं है, इसमें सिर्फ कस्टमर की गलती है, गाड़ी में बनाने वाले की कोई गलती नहीं है। देख सकते हैं पूरी बर्बाद हो चुकी इंजन, नई गाड़ी है, तो इसमें गलती कस्टमर की गलती है, कंपनी की कोई गलती नहीं। तो इसमें ऐसे तो कंपनी ही देगी, इसमें जितने भी खर्च है सारे को कंपनी है देगी, लेकिन गलती इसमें कस्टमर की, कंपनी की कोई गलती नहीं, बजाज की कोई गलती नहीं, मैं आपको साफ कर देता हूँ। तो वीडियो में बने कैसी लगी आपको, वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको लेने वाली है गाड़ी तो उसको समझाएं कि गाड़ी की कोई गलती नहीं, जो भी गलती है कस्टमर की गलती है। और